हम पति पत्नी ये शपथ लेते हैं हमेशा एक साथ रहेंगे तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगी। अरे मतलब हाँ, कभी कभी ना करना चलेगा। कभी कभी मैं इनकी आज्ञा का पालन करूंगी। और हमेशा मुझे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाओगी। और इसी के साथ कभी हम पति पत्नी लड़ाई नहीं करेंगे। अरे यार कर लिया करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं कभी कभी छोड़ दिया करूंगी लड़ाई करना। और आप कभी पराई स्त्री पर नजर नहीं डालेंगे। ये तो यार गलत बात है, ये हमारे साथ अन्याय है। हम तुम्हारी सब मान रहे, तो मैं एकू ना मानो। कमू देख लेन देख करियो। दिखाएं आपको? अरे आते थोड़े पढ़ लिए। नहीं दिखाएं आपको? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी। कहाँ से याद आ गई ये पोएम अचानक से? ऐसे ही बचपन की यादें हैं, बचपन में इतना गाते थे हम लोग ये मछली जल। तुम नहीं गाते थे क्या मछली जल की? अरे एक बात बता, अगर मछली जल की रानी है तो राजा कौन है? एक बात बताइए, क्वेश्चन पूछा है। तुम्हारी बातें और तुम्हारे सवाल बता। तो अगर मछली जल की रानी है, ऐसी मन में आ गया बस, तो राजा कौन? मछला है। मछला कौन होता है? मछली का पति मगरमच्छ। गलत जवाब है जी, गलत जवाब। तुम बताओ। मैं कह रहा हूँ मछली जल की रानी है। किसकी रानी है? जल की रानी है तो राजा कौन हुआ? जल। मछली जल की रानी है तो राजा कौन है? जल। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी। बीवी तो तुम्हारी बस नौकरानी है, बच्चों को संभालने के लिए है। उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, वो सुबह से शाम तक बच्चों में लगी रहेगी, घर में लगी रहेगी। उसकी कोई जिंदगी है या नहीं है कि बस तुम्हारे लिए पैदा हुई है वो? हाँ मेरी जिंदगी तो बहुत खूब, सुबह सुबह बाहों फैला के, फूल बरसा के हाथों में मेरा तो खुले दिल से स्वागत करती है। अरे सबसे झंड लाइफ तो एक लड़के की हो जाती है यार शादी। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? शादी के बाद पूरा बोलो ना, दिल का गुबार सारा एक साथ निकालो ना, क्या बोलना चाह रहे हो? गुरुजी सही कहते हैं भाई, एक लड़के की जिंदगी 30 साल में खत्म हो जाती है, 70 साल की उम्र में तो उसका क्रिमेशन होता है। क्या होता है? अंतिम संस्कार। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, शादी को तुम मौत के साथ जोड़ रहे हो हा? 30 की बोल रहे हो तुम? तुम्हारी शादी तो 25 साल में हुई है। अरे शुरू शुरू में तो मजा आता है, मतलब भ्रम में रहते हैं, भूत तो शादी का कुछ सालों बाद ही तो रहता है। शादी का भूत? हाँ भूत, जैसे ही उतरता है भूतनी सर पे बैठ जाती है। अच्छा ये देखो, इसमें कुछ भी नहीं है जो बोल रहे हो तुम। मुझे ना बताओ, ऐसे ऐसे 5 बैग है तुम्हारे पास, ये तो एक ही ब्रांच है बैंक की, 4 ब्रांचे कहाँ है? क्या तुम भी ना 20 रुपए के लिए इतनी झिकझिक कर रहे हो? यहां तक तो तुम ही लाई हो, तो अब दिखाओ ना बाकी बैग भी दिखाओ। कसम खा के कह रहा हूं, जितने पैसे तुम्हारे बैग में होंगे उतने पैसे मेरे बैंक में नहीं होंगे। वो भूरी जी के हस्बैंड मनोज जी कभी नहीं बोलते उनको ऐसा जैसा आप मुझे बोल रहे हो। रहने दो, आंसू अस्त्र ना चलाओ, चलो मेरे पर्स से ले लो पैसे। चलने की क्या जरूरत है, तुम्हारा पर्स यहीं रख लिया था मैंने, बताओ कितने निकालूं। अरे बताओ कितने निकाले हैं।